हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है ओपन सेट एंड टोपोलॉजी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ओपन सेट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या होती है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम ओपन सेट एंड टोपोलॉजी देखेंगे। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, वी से दैट अ सेट इज ओपन इफ इट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट। कोई सेट एस जो है वो ओपन कहलाता है अगर वो कोई भी उस सेट का बाउंड्री पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा हो। जैसे कि अगर इसमें बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो एक्स अगर कोई इसका एलिमेंट है, सपोज एक्स 2 से छोटा या एक्स से इसके बीच में कोई एलिमेंट है, तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन, इस तरह के हमारे पास दो पॉइंट जहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, जिसके लिए ये सेट जो होगा एक ओपन सेट होगा। बट अगर हम 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सारे पॉइंट्स के लिए मिल जाएगा रेदर देन 4। अगर 4 पे बात करें तो 4 माइनस एप्सिलॉन ऑब्वियसली इसका पार्ट होगा, जहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कुछ नंबर है, पर 4 प्लस एप्सिलॉन, 4 प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो इसका पार्ट नहीं होगा। तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो क्लोज सेट, ये जो सेट है क्लोज सेट नहीं है। बट जब अगर हम बात करें इस तरह से 4 to इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी जो है कई बार ये इंटरवल आ जाता है, तो ये सेट भी जो है ये हमारे पास ओपन सेट है, क्योंकि इसका कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है। और जहाँ पर भी हमारे पास इस तरह का सेट हो, इंटरवल हो, तो वो तो हमारे पास ओपन रहेगा ही, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। अब अगर हम बात करें एक्सटेंडेड रियल लाइन, एक्सटेंडेड रियल लाइन का कोई भी हमारे पास बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ओपन सेट है। इस तरह से रियल लाइन का भी कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं होता, तो वो भी एक ओपन सेट होती है। अब फाई की बात करें तो फाई जो है वो एक एम्प्टी होता है हमारे पास, एम्प्टी सेट, वो भी एक हमारे पास ओपन सेट होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फाई का कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं होता है। अगर फाई का कोई बाउंड्री पॉइंट होता तो हमने प्रूव किया था, अगर फाई का कोई बाउंड्री पॉइंट होता तो उस कंडीशन में फाई जो है वो एम्प्टी नहीं होता, तो इस कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हमने प्रूव भी किया था। अब यहाँ पे देखते हैं, नोटिस दैट एवरी पॉइंट ऑफ द सेट ओपन सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। तो एस का जो ओपन पॉइंट का ओपन सेट का जो होता है, हर पॉइंट जो होता है एक्स बिलोंग्स टू, अगर एस है ओपन सेट है तो वो इंटीरियर पॉइंट होता है, यानी एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन जो होता है, ये नेबरहुड जो होता है वो सबसेट ऑफ एस होता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से कह सकते हैं एस इंटीरियर इक्वल टू ओपन सेट ऑफ एस, अगर एस जो है ओपन सेट है तो एस इंटीरियर इक्वल टू एस होता है। ये हो गया हमारे पास। दस फॉर ईच सेट एस, ईच ओपन सेट, दस फॉर एन ओपन सेट एस, ईच पॉइंट हैज अ नेबरहुड कंटेनिंग एंटायरली। तो ये हमने डिनोट कर दिया कि ईच पॉइंट के लिए वो वहां पे नेबरहुड, एक नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा जो कि एंटायरली एस में ही इंटरेक्ट कर रहा होगा, कंटेन होगा। और इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एस आर मेड अप ऑफ अ यूनियन ऑफ नेबरहुड्स। एस जो है वो इस एक्स के जो यूनियंस हैं उसका, एक्स के जो नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू एस है, इसके जो नेबरहुड है उनका यूनियन जो होता है वो एस होता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स कि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ऑल्सो एंड ओपन सेट, क्योंकि अगर हम बात करें सपोज दो ओपन सेट ले ले, 1 एंड 2 एंड 4 एंड 5, तो उस कंडीशन में इनका यूनियन जो होगा 1 2 यूनियन 4 एंड 5। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे एक्स बिलोंग्स टू, इससे यूनियन से मिलता हुआ अगर इसको एस टू डिनोट कर दें S2, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो इसके अंदर लाई कर रहा होगा, तो इस कंडीशन में कहेंगे ये जो है हमारे पास ओपन सेट है। इसी तरह से इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन जो होगा वो भी एक ओपन ही होगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी हमारे पास ओपन ही होगा। जैसे कि हम फाइनाइट में दो को ले लें हम, 1 2, पहले तो हम 4 एंड 5 पे समझते हैं। 4 एंड 5 पे इंटरसेक्शन क्या है इसका, फाइव, और फाइव तो जो यहाँ पे हम पहले प्रूव कर चुके हैं फाइव ओपन है। बट अगर कुछ कंटेंट लिमिट कुछ पॉइंट्स हो, जैसे 1.5 2 2, तो उस कंडीशन में इसका यूनियन क्या रहा हमारे पास, 1.5 2 2, तो ये कंडीशन में ये जो सेट है हमारे पास ये भी एक ओपन सेट है, क्योंकि आराम से प्रूव कर सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एस से हो तो इसका नेबरहुड में हर कोई ना कोई नेबरहुड मिल जाएगा।
उसके बाद हमारे पास टोपोलॉजी की बात करते हैं। पहले एक्सरसाइज जो आप चेक कर सकते, चेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, अब फोर इन्फिनिटी माइनस 3 5 एंड 2 6 जो है वो ओपन है। अब टोपोलॉजी की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑफ आर। बेसिकली टोपोलॉजी अगर जनरल डेफिनेशन देखें तो टोपोलॉजी जनरल डेफिनेशन होती है, कोई सेट एस की टोपोलॉजी कहलाता है उसके हर ओपन सेट का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट जो होता है वो टोपोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम अगर आर की बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट ऑफ आर इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑफ आर। द सेट ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ आर स्टार इज कॉल्ड द टोपोलॉजी ऑफ आर स्टार। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं टोपोलॉजी की सेट एस की टोपोलॉजी क्या होती है, उसके सारे S1, S2, S.SN कुछ ओपन सबसेट होंगे जिनका यूनियन जो होगा वो एस एस जो होगा उनके यूनियन का सबसेट होगा। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो इनका ये जो कलेक्शन है S1, S2, S3 ये जो है इसकी टोपोलॉजी है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोज सेट्स के बारे में पढ़ेंगे।